दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक बड़ा खुलासा किया है। आपने देखा, एक दिन से शीश महल पर ताला लगाने का पूरा ड्रामा चल रहा है और दिल्ली में कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने पीडब्ल्यूडी को क्यों नहीं चाबी सौंपी। आतिशी मार लेना को चाबी सौंपने वाले अरविंद केजरीवाल होते कौन है? ये सरकारी प्रॉपर्टी है, ये निजी प्रॉपर्टी नहीं है। जब सीएम आवास केजरीवाल ने खाली किया तो चाबी पीडब्ल्यूडी विभाग को क्यों नहीं सौंपी? उसके बाद क्या हुआ आपने देखा, पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली आवास को सील कर दिया, इनका शीश महल सील कर दिया। अब इसी पर बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां आपने देखा होगा दिल्ली में मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना सोफे पर बैठी हुई है, पूरा काम बिखरा हुआ है और वहीं पर बैठकर वो काम करती दिखाई दे रही है। दिखा रही है कि मेरे पास आवास नहीं है, उसके बावजूद भी मैं दिल्ली की जनता के लिए फाइलों पर साइन करके काम कर रही हूं। अब इस पर ही आते हैं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा खुलासा कर दिया। कहा यह शीश महल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। कहा दिल्ली के बजट में कभी इतना घाटा नहीं हुआ जितना आम आदमी पार्टी ने इस घाटे को स्वरूप दिया है। दिल्ली में केजरीवाल ने बहुत संघर्ष किया है, ये कहा वीरेंद्र सचदेवा ने, लेकिन कहा यह तंज के रूप में कि संघर्ष किया जनता के लिए नहीं, संघर्ष किया अपने पैसे बनाने के लिए। इन्होंने लिखकर स्कैम में जितने पैसे कमाए उन्होंने अपने पार्टी के मुनाफे में इसको सबको उड़ा दिए। दिल्ली की जनता के लिए केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया है और यही शीश महल अब इनके भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। आपको बता दें पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा भी कई ऐसे आरोप केजरीवाल के ऊपर लगाए गए हैं। केजरीवाल की पूरी पार्टी ये बताने में मशहूर है अभी कि ये बीजेपी की साजिश है, बीजेपी चुनाव में डर गई है, बार बार यही बातें, पीडब्ल्यूडी के द्वारा मुझे हमारे आवास को सील कर दिया गया। आपको बता दें वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 10 वर्षों से यहां पर सरकार झूठ फरेब कर रही है, सरप्लस बजट का दावा कर सरकार बिना आर्थिक संसाधनों को विकसित किए नई नई योजनाएं लेकर आ रही हैं। दावा किया मदन लाल खुराना की सरकार ने दिल्ली को पहला सरप्लस बजट दिया था। वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल की धज्जिया उड़ाते हुए कहा कि आर्थिक मिसमैनेजमेंट का यह नतीजा है जो केजरीवाल ने आज दिल्ली में बेड़ा गर्क कर दिया। मैं चाहूंगी आप सुन लीजिए कैसे वीरेंद्र सचदेवा ने एक बड़ा हमला दिल्ली सरकार पर बोल दिया है, धावा बोल दिया है, सुनिए जरा। अरविंद केजरीवाल के 10 साल के आर्थिक मिसमैनेजमेंट का रिजल्ट है कि दिल्ली में पहली बार 2024 का जो बजट लाया गया है वो दिल्ली के विधानसभा इतिहास में पहली बार घाटे का बजट है, और वो घाटा भी कोई मामूली नहीं है, 7,000 करोड़ का घाटा है। '94-'95 में पहला बजट विधानसभा के बनने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री मदनलाल खुराना लाए थे जो सरप्लस बजट था, और तब से लेकर अब तक 2022-23 तक जितनी भी सरकारें हैं वो सरप्लस बजट लाती रहीं। लेकिन आज की इस भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल की सरकार के पास जो योजनाएं चालू हैं उसको पूरा करने का पैसा नहीं है, और उससे भी दुखद ये कि दिसंबर आते आते अपने दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को तनख्वाह देने का पैसा भी नहीं होगा। और जब मैं दिल्ली सरकार के कर्मचारी कह रहा हूं तो उसमें फिर दिल्ली नगर निगम भी शामिल है। ये है आर्थिक मिसमैनेजमेंट जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले 10 सालों में किया है। और इस पूरे घाटे के बजट का या जो घाटे का अनुमान लगाया जा रहा है उसका मूल कारण है बिना आर्थिक संसाधन जुटाए झूठी घोषणाएं करना, और जिन कामों को शुरू किया उन कामों के लिए आर्थिक संसाधन ना जुटा पाना, उसकी पहले से तैयारी ना करना। अब दिल्ली किस गर्त में जाएगी ये संजय सिंह सोचें। ये जो बार बार कहते हैं कि बारिश की वजह से सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा, ये वो है इकोनॉमिकल फेलियर जो मैं कह रहा हूं सरकार का,
क्योंकि इन्हें पता है कि इनके पास पैसे नहीं। अब जानकारी मिल रही है कि एक साल तक जो ये मार्शल्स को धोखा देते रहे, उसका कारण यह था कि जब इन मार्शल्स को लगाया गया था तो भी उनके आर्थिक संसाधन नहीं जुटाए गए थे, ये तय नहीं किया गया था उनको पैसे कहां से दिए जाएंगे। तभी अरविंद केजरीवाल ने उस पर साइन किए थे कि इनको हटा दिया जाए। सत्ता के 10 साल अरविंद केजरीवाल, सिर्फ तुमने लड़ने का काम किया है, संघर्ष का काम किया है, जनता के हितों के लिए नहीं, अपने हितों के लिए। जितना पैसा तुमने शराब दलाली में कमाया है, अगर वो पैसा जनता के हित के लिए लगा दिया जाता तो शायद दिल्ली को ये दिन नहीं देखना पड़ता। और सिर्फ शराब की दलाली नहीं है, दिल्ली का हर विभाग, अभी पिछले दिनों हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि दिल्ली के अस्पतालों की क्या हालत है, 50 से 60 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो सिर्फ देरी के कारण अपनी क्षमता से डबल कीमत के हो गए, जहां 1 रुपया लगना है वहां 3 रुपए की लागत आ रही है। कारण सिर्फ भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक हर आदमी को कट चाहिए। कोई भी सरकार होती है, वो कोई भी योजना लाती है तो उसके लिए भविष्य का रोडमैप तैयार करती है। ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाते हैं, तनख्वाह देते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के नाम पे कुछ नहीं है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाते हैं जो 2 कमरों में आके सिमट के रह जाती है। सिर्फ कोरी घोषणाएं, लच्छेदार भाषण और दिल्ली को ठगना। जितनी भी समाज कल्याण की योजनाएं हैं वो सब योजनाएं अधर में रहने वाली हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार घाटे का बजट पेश कर रही है। कहां से पूरा करेंगे 7,000 करोड़ का घाटा? और जितने प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के हैं, आपको ध्यान होगा कि कोर्ट की फटकार के बाद रैपिड रेल के लिए इनको पैसा देना पड़ा, वो भी अभी तक पूरा नहीं दिया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, वो जो मीठापुर के पास फ्लाईओवर बन रहा है, उसमें जो सरकार को पैसा देना था दिल्ली सरकार को नहीं दिया, केंद्र सरकार ने पूरा पैसा लगाया। ऐसे कितने प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार के जिसमें दिल्ली सरकार का शेयर होता है लेकिन ये पैसा नहीं देते। क्यों? क्योंकि इनको समाज कल्याण के कामों से मतलब ही नहीं, इनको विकास से कोई लेने देने नहीं। इनके लिए विकास का मतलब यह है कि अपनी जेब कैसे गर्म करना, अपना घर कैसे भरना। और जैसे मैंने बताया कि 2024 के दिसंबर आते आते दिल्ली सरकार के कर्मचारी और दिल्ली नगर निगम के जो कर्मचारी हैं ये उनको तनख्वाह दे पाएंगे, मुझे संदेह लगता है। क्या करें? और अब आप 2014 से इनकी मिसमैनेजमेंट का एक तरीका और समझ लीजिए। अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए, 16,000 गेस्ट टीचर को पक्का करने का वादा करके, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट जीरो है, वो टीचर आज भी धक्के खा रहे हैं। दिल्ली सरकार का पहली बार ऐसा हो रहा है कि विधायी बजट 7,000 करोड़ के घाटे का दिखाई दे रहा है। 1994-95 में स्वर्गीय मदनलाल खुराना जी सरप्लस बजट लेकर आए थे, लेकिन तब से लेकर अब तक कभी भी इस तरह का बजट नहीं आया। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल की नकारापंती है, निष्क्रियता है, और जिस तरह से उन्होंने सिर्फ झूठी घोषणाएं की हैं लेकिन उनके लिए प्रोविजन तय नहीं किए फाइनेंशियल, उसका कारण है कि आज दिल्ली आने वाले दिनों में बहुत बड़ा संकट देखने वाली है। हम हर मंच पर रामलीला के एक ही बात कहते हैं कि हमारी दिल्ली स्वस्थ बने, सुंदर बने और अच्छी दिल्ली बने। लेकिन सौरभ भारद्वाज मुझे 2 बातों का जवाब देते हैं सिर्फ। बजट आपके मुख्यमंत्री ने दिया, पैसा आपको खर्च करना था और रेवेन्यू भी आपके पास सरप्लस आ रहा था। ज़्यादा रेवेन्यू आने के बाद भी घाटे का बजट कैसे आता है, ये कला तो कोई अरविंद केजरीवाल से सीख सकता है। और क्या कारण है कि आपके सारे प्रोजेक्ट डिले हैं, हॉस्पिटल सारे डिले हैं, रोड्स आपकी बन नहीं रही हैं, कहाँ गया वो पैसा? वो पैसा गया आपकी जेब में। दिल्ली को ठगने को लूटने का काम आपने किया है। दिल्ली को आज 7,000 करोड़ का घाटे का जो बजट आप दे रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की, नगर निगम के कर्मचारियों की चिंता है
कि आने वाले समय में उनको समय से, क्योंकि त्यौहार का सीजन है, समय पर उनको तनख्वाह मिल जाए। लेकिन दिल्ली सरकार का जो फेलियर है वो मुझे आने वाले दिनों में संकट दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दें, दिल्ली में पूरा ड्रामा तैयार हो चुका है। दिल्ली में आपने देखा कि कैसे दिल्ली बदहाली के ऊपर गई, दिल्ली बदहाली में जूझी हुई है। दिल्ली में इनके पास कुछ भी नहीं है करने को। अभी सीएम बदला गया क्योंकि केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के कई ऐसे संगीन आरोप लगे, और आरोप भी क्या, वहां पर साफ कहा ईडी के द्वारा कि हम पूरी पार्टी को ही बनाते हैं आरोपी। आपने देखा होगा दिल्ली में खूब ये ड्रामा रचा गया कि मैं बेटा हूं हरियाणा का, हरियाणा में जमानत जब्त हो गई, उसके बाद अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव है। केजरीवाल को यह लगता है कि अगर मैंने अभी भी ये ड्रामेबाजी नहीं की तो जनता मुझे खदेड़ देगी, जो भी 2-4% वोट मिलने होंगे वो हमें वोट नहीं मिलेंगे। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने परचम लहराया था, केजरीवाल को ये डर है कि बीजेपी का वर्चस्व हम कैसे यहाँ पर खत्म करें। और ऐसे भी केजरीवाल के दामन में अब दागदार वो हो चुका है, इनका दामन, इनके दामन में दाग लग चुका है। दाग ये लगा कि ये भ्रष्टाचारी हैं, दाग ये लगा ये झूठे हैं, और दाग ये लगा कि ये गुरु को धोखा देने वाले ऐसे शिष्य हैं। और यही वजह है कि आज केजरीवाल के राजनीति का देखिए दर्शकों बिल्कुल पतन हो रहा है। ना मुख्यमंत्री रहे, आतिशी को बनाया, लेकिन कहा जा रहा रिमोट कंट्रोल, वो भी कांग्रेस की तरह हो गई जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं। और इन्हीं सब बातों के मद्देनजर रेवेन्यू पर, सरप्लस और डेफिसिट पर वीरेंद्र सचदेवा ने यह भंडाफोड़ किया है। उन्होंने कहा, सचदेवा ने कहा है कि अक्सर बजट घाटा तब होता है जब रेवेन्यू खर्च के मुकाबले कम हो, लेकिन दिल्ली सरकार का रेवेन्यू साल दर साल बढ़ रहा है। बढ़ते रेवेन्यू के बावजूद सरकार के बजट घाटे में जाने का मूल कारण है आर्थिक संसाधन जुटाए योजनाओं को लागू कर देना। योजना मतलब फ्री की रेवड़ी देना, और ये फ्री के चक्कर में पूरी दिल्ली को बर्बाद कर चुके हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा आज दिल्ली को पावर सब्सिडी, ट्रांसपोर्ट विभाग, यहां तक कि सिंचाई विभाग, निर्माणाधीन अस्पताल, मेट्रो, न्यायालय परिसर, न्यायालय, वेतन खर्च वृद्धि, सबके लिए 7,000 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन दिल्ली सरकार के पास एक पैसा नहीं है। बिल्कुल ये दर्शकों हाल हो गया कांग्रेस पार्टी के जैसा। कांग्रेस पार्टी के पास भी पैसा नहीं है, आपने देखा कांग्रेस के पास कर्नाटक में नहीं है, हिमाचल में नहीं है, अभी तो कांग्रेस हरियाणा हारी गई। और इन्हीं सब बातों के मद्देनजर ये साफ नजर आ रहा है कि दिल्ली में बदहाली के एक ही मात्र गुनाहगार है, वो है अरविंद केजरीवाल। आतिशी तो देखिए नई नई मुख्यमंत्री बनी है, इनके कदम पर ही चलेंगी, लेकिन मुखिया कौन है, सरगना कौन है, केजरीवाल। और यही वजह है कि आज अब कांग्रेस के लिए खरी खोटी भले ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को सुनाए जा रहे हैं, लेकिन खुद तो ये बात, ये सच्चाई है कि आज दिल्ली में केजरीवाल के राजनीति का पतन हो चुका है। और अब देखने वाली बात होगी ये नया ड्रामा ये पूरी पार्टी मिलकर क्या तय करती है। लेकिन फिलहाल आपने वीरेंद्र सचदेवा को सुन लिया, बीजेपी ने साफ कह दिया है भ्रष्टाचार का अड्डा शीश महल था, इनके पास रेवेन्यू नहीं है, क्योंकि ये बिना किसी रेवेन्यू को जुटाए योजनाएं चालू कर देते हैं। अब आपकी जो भी राय हो इस खबर के बाबत जरूर कमेंट के जरिए हमें बताइएगा। शुक्रिया।